Assalamualaikum जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार आज हम बात करेंगे आउल फिंच की। आउल फिंच यार होती तो आउल की तरह है, लेकिन उसको साइज में उससे कई गुना ज्यादा छोटी होती है। तो आज हम उसके बारे में सब कुछ डिटेल से जानेंगे। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है बर्ड्स के बारे में, तो इसलिए हमने अपने खिजर भाई को इन्वाइट किया, जो कि हमें इनके बारे में इंची बीची की डिटेल देंगे कि असल में सीन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो खिजर भाई बताएं यार, आउल फिंच का क्या सीन है यार, ये क्या कहते हैं, कैसे ब्रीड होती है इनकी, क्या होता है इसका? मैं आपको बहुत अच्छी ब्रीड किया, लेकिन अब तो गर्मी है, खैर अब इसकी कोई कुजा वगैरह मसाला उतारा, बॉक्स वगैरह सारा कुछ उतारा, मैं कोई ब्रीड नहीं ले रहा क्योंकि नुकसान बहुत हो जाता है। नहीं तो गर्मियों में ब्रीड नहीं होती? नहीं, क्योंकि गर्मी से मर जाते हैं ना, फिर सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, इस वजह से इनकी हम बॉक्स उतारा हमने, ठीक है। अच्छा, और इनकी ब्रीड किधर है? माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी ब्रीड की है, इनकी ब्रीड ये सारी इनकी ब्रीड है, 30-40 पीस हमने इसके निकाले हैं एक सीजन में। अच्छा, ये इनकी ब्रीड है, ये सारी माशाल्लाह इनकी ब्रीड है, ठीक है। और वो हमारे पास सिर्फ दो पेयर लिए थे, इनमें दो फीमेल निकल आई और एक पूरा पेयर था। अच्छा, ठीक है। तो अब उनको हमने नेक्स्ट कोशिश यही है कि हम एसी वगैरह लगाएं, पूरा सिस्टम बनाएं अपना, ताकि हमारे पास गर्मियों में भी ब्रीड आ सके इनकी। तो अभी गर्मी से बचने के लिए क्या करते हो? अभी कूलर वगैरह लगाया हुआ है और हर कोई घंटे बाद आके पानी का स्प्रे मारते हैं सारा। स्प्रे बोतल तो दिखाओ जरा यार, बड़ी शानदार बोतल है स्प्रे की। हमारे पास बोतल है, ठीक है। इसको अब हवा भर देंगे इसमें से पंप करके, ठीक है, और फिर इसमें से हम स्प्रे वाला पानी निकालते हैं, सारा पानी सारा निकाल देते हैं, ये दोबारा करिएगा जरा, ठीक हो गया, ताकि गर्मी से बचे रहें। अच्छा, तो केयर करनी पड़ती है इसलिए हम जरा इन पे ध्यान बहुत देते हैं, तो प्यार ही हमारा इनसे बहुत अलग तरीके का है। तो यार ये ऑल फिंच यार ये छोटी सी होती है, तो मैंने सुना था यार ये बहुत नाजुक होती है। ये छोटी सी है ना, इसमें ऊपर से चिड़िया जो भी होती है ना, फिंच जोन सी भी है, वो सारी नाजुक होती है, ठीक है। आप जोन सी मर्जी, दुनिया की जोन सी मर्जी फिंच पकड़ लेना, वो होती नाजुक है। तो अभी ये कॉलोनी में तीन चार मुझे नजर आ रही है, मुझे दो तीन और नजर आ रही। वो हमने वैसे ही पोस्टर के पेयर हैं बांग्लादेश के, वो ये पोस्टर क्या होता है, ये लोग कहते हैं कि हम अंडे पोस्टर कर लेते हैं इनके, जैसे हमारे पास एक पेयर था उसमें अंडे दे रहे हैं, हमने उठा के उनके नीचे दूसरे पोस्टर के नीचे रख देने हैं। अच्छा, ताकि फिर वो नस्ल ज्यादा बढ़े आगे, यानी कि जो महंगा वाला होता है आप उसके अंडे उठा के सस्ते वालों के नीचे रख देते हैं, तो जो सस्ते वाले होते हैं उनकी ब्रीड नहीं लेते हैं, उनकी ब्रीड नहीं लेते, उनके अंडे जाया करते हैं, अगर वो फर्टाइल बच्चा बनना शुरू हो जाता है, काफी ज्यादा बन जाता है, फिर वो हम दूसरे पोस्टर के नीचे रख देते हैं, वो भी सेफ कर लेते हैं, वो भी सेफ कर लेते हैं, इससे आपको फायदा होता है? हाँ, फायदा तो माशाल्लाह बहुत होता है। अच्छा, कोई खराब हो जाता है फिर वो लक बन जाती है, फिर हम सारे ऐसे रख देते हैं। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो ये जरा पकड़ सकते हैं आप, ये पकड़े तो सही, जरा ध्यान से पकड़ेगा, उड़ाना दीजिएगा अब्बा जी ने आके ना तुम्हें उड़ा देना जी जी, दिखाएं यार जरा शायद जरा यार, ये है जी ऑल फिंच, ये हमारे पास ऑल फिंच होती है, ये ऑल की तरह होती है बिल्कुल, ये देखिए माशाल्लाह यार खूबसूरती चेक करें बस, ये भी खूबसूरती है यार, इसको ना छोड़ दें आप वापस, और नहीं इधर ओपन नहीं छोड़ दो, कहने का मकसद है इसको वापस छोड़ दो, अभी गर्मी है बेचारे तंग होंगे, नहीं तो यार इनको रिंग्स नहीं पहनाते, बचपन में मैंने देखा था कि रिंग्स होते थे। रिंग जो हमारा बड़ा पेयर है ना, जो मेन ब्रीडर पेयर है, हाँ। उसको हमने रिंग डाले हुए हैं, जो हमारे पास दूसरे पेयर है ना जो सादे, ये रिंग डालने का मकसद क्या होता है? ताकि पहचान रहे कि हमारा ये पेयर मेन ब्रीडर पेयर है, हम इकट्ठा भी कर दे ना सारों को, हमें पहचान करते हैं कि हमारा ये जोड़ा है। अच्छा, और इसको हम फिर बाद में चाहे दोबारा अलहदा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शामू मैंने देखा है कि यहाँ बैठा हुआ है, खैरियत है अंदर बिठाया हुआ है? ये शामू की टांग जो टूटी हुई थी, तो वो टांग ज्यादा खराब हो गया था, तो इन्फेक्शन हो गया था वहाँ पे, तो आगे हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे सारा कुछ, तो क्या हुआ था इसके साथ, सारा कुछ बताएंगे आपको क्या हुआ था, क्या आपकी दवाई वगैरह सारा कुछ बता देंगे आपको, तो हमारे साथ ही रहना, अपने बस प्यार करते रहे हमें। तो इसको प्लास्टर वगैरह हुआ है अभी? प्लास्टर नहीं करवाया, उसने वैसे बांध दिया, बस डिसलोकेट हो गई थी ना। अच्छा, तो अब उसने इन्फेक्शन के सारी दवाई वगैरह हमें दे दी है, ठीक है, तो अब वो कह रहा है बस केयर करो तो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, डन हो गया खिदर भाई, बहुत शुक्रिया खिदर भाई।
अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। ठीक है, चले नीचे अपने कमरे में जाके सो गए आप। चले यार, ये मेरा भाई है यार, इसको अभी अभी जो है ना खिजर भाई ने इसका दूसरा कलर भी निकाला है, ऑल फिंच पे दूसरा कलर भी है, मुझे अभी पता चला, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँ, तो वो भी लाजमी देखें हैं यार। आप उस अकेले को बेचारे को निकाल रहे हैं, वो हमें डिस्टर्ब ना हो जाए। ओ माशाल्लाह यार, ये लाइट ब्राउन कलर है इसका, फोन कलर है ये। जावा भी तो होती है फोन, एक हर किस्म की वैरायटी होती है, लेकिन ये ऑल में था। तो इसकी ये महंगी होती है उससे? नहीं, प्राइस सेम है, अच्छा अच्छा सही है यार। ये वाली ज्यादा खूब, वैसे वो खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत ही है, वो जरा डार्क आउटलाइन हुई है, जरा अच्छी है वो भी। अल्लाह ताला की कुदरत है, देखें बस क्या क्या निकला था उसी में से निकला हुआ ये भी। अच्छा, ये भी ये उनके माँ बाप वही है जो पहले आपने दिखाए? सही हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया यार। इसको निकाल लेंगे, डिस्टर्ब हो रही है, इसको वापस छोड़ दें आप। यार हम बचपन से जो है ना इन्हीं परिंदों में पले बड़े हैं, बहुत मजेदार सीन्स थे। तो यार ये थे खिजर भाई, अभी पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है, अभी ये नीचे नहीं जा रहे हैं, उन्होंने ख्याल से काम करना है अभी परिंदों का। तो आप अगर बाय भी करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में रब्ता करें, हम खुद आपको नंबर शेयर कर देंगे अपना। तो अगर आप शामू के बारे में जानना चाहते हैं तो यार शामू जो है ना अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।